जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉरएवर में। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक और अपडेट लेके आए हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि अभी जो हमारे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ी जो रिक्रूटमेंट हो रही है, वो हो रही है जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, अभी जिस डिवीज़न की मैं बात करने वाला हूँ, वो डिवीज़न है पो डिवीज़न, और डिस्ट्रिक्ट पड़ती है किन्नौर। तो दोस्तों, यहाँ पे भी फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस डिवीज़न में कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं। तो दोस्तों, पो डिवीज़न में टोटल जो पद हैं वो 20 पद हैं, और इसमें बात करें पदों की तो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए 4 पद हैं, पैरा फिटर के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है, और मल्टी टास्क वर्कर के लिए दोस्तों यहाँ पे 16 पद हैं। दोस्तों, एजुकेशन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, और आपकी जो ITI है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में होनी चाहिए। दोस्तों, बात करें पैराफिटर की, पैराफिटर की मैं यहाँ पे कोई बात नहीं करूँ क्योंकि यहाँ पे पैराफिटर का कोई पद नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर की। दोस्तों, मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो आप हिमाचल प्रदेश से 8वीं पास होने चाहिए। और बात करें यहाँ एज की, तो दोस्तों यहाँ पे जो मिनिमम उम्र एज मांग रखी है वो 18 साल मांग रखी है, और मैक्सिमम एज आपकी 45 साल होनी चाहिए। दोस्तों, बात करें यहाँ पे पैरा पंप इसकी सैलरी की, तो दोस्तों पैरा पंप ऑपरेटर के लिए दोस्तों सैलरी यहाँ पे 4300 रुपये पर मंथ मिलेगी, और मल्टी टास्क वर्कर के लिए दोस्तों यहाँ पे 3000 रुपये पर मंथ मिलेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट है कि कब हम रेगुलर होंगे। दोस्तों, अगर आप इन तीनों पदों के लिए किसी भी डिवीज़न से अप्लाई करते हो तो आप 10 साल बाद रेगुलर हो जाएंगे। और बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ अगर पैरा पंप फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर की, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन होगी वो आपके मैट्रिक के नंबर और ITI के मार्क्स प्लस जो आपकी इंटरव्यू होगी उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग होगी। और बात करें मल्टीपर्पज़ वर्कर की, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन होगी वो आपके 8वीं के मेरिट बेस पे होगी। दोस्तों, एक बात यहाँ पे सभी नोट कर लें, जो भी भाई आप है ना इस पद के लिए अप्लाई करेगा मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए, वो अपना 8वीं का सर्टिफिकेट लगाना ना भूले, क्योंकि दोस्तों आपकी जो मेरिट है वो 8वीं के बेस पे ही बनेगी। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मैट्रिक का लगाऊंगा तो वो चल पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे मैट्रिक 8th का ही सर्टिफिकेट लगाना होगा, और अपने डॉक्यूमेंट जो भी ऐसे आपका बोनोफाइड हो गया, BPL कैटेगरी जिससे भी आपको बिलोंग करते हैं वो आपको लगाना होगा। दोस्तों, बात करें कि हमें फॉर्म कैसे भरना है, तो दोस्तों इस जो जो ये भर्ती है इसके लिए एप्लीकेशन मैंने खुद एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको भर सकते हो। नहीं तो आप एक वाइट पेपर के ऊपर, सफेद कागज़ के ऊपर जा पर भी अपना नाम और पता लिख के किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके बारे में लिख के, अपनी एजुकेशन लिख भर के, आप जो ये नीचे एड्रेस दिया गया है द एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग जल शक्ति डिवीजन पोहो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, यहाँ पे सबमिट करवा सकते हो, और बाई हैंड भी दे सकते हो और बाई स्पीड पोस्ट भी दे सकते हो अगर आप कहीं बाहर हैं। तो दोस्तों, बात करें इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट रखी गई है दोस्तों, तो जो इसकी फॉर्म की जो फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 13 अगस्त 2021। दोस्तों, ये एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि या ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑफलाइन मोड से होगा, या इसके लिए कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं मांग रखा है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं कि सर फॉर्म में ये दिक्कत है। दोस्तों, अगर फॉर्म में आपको कहीं दिक्कत लगती है, जैसे कि मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को मेरे फेसबुक पे पूछ सकते हो, या यहाँ पे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। दोस्तों, बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो इन पदों के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, सबके लिए निःशुल्क है। तो भाई दोस्तों, कृपया करके इस फॉर्म को भरिए, जो भी नियर बाई पोह का है उसको उसका भरने का फ़ायदा है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल हिमाचल फॉर एवर पर बने रहिए, हमारे चैनल को आगे आगे शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी वाला बटन जरूर प्रेस करें। साथ में दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जैसा प्यार आप यहाँ पर दिखा रहे हैं वैसा प्यार उस पर भी दिखाइए। उसका नाम है हिमाचली कल्चर बाई AJ, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और एप्लीकेशन फॉर्म का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।